Hello to all class 9 students. At class 9 we are doing lesson number 4, types of economies, and today we are going to start with capitalist economy. Now very important first to understand what is a capitalist economy. Capitalist economy is that economy which is free economy. We also call it free economy, and the forces of market demand and supply plays a very very important role. यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के जो रोल है बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है. द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड वन इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस आर टेकन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. सो ऑल मेन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन and distribution, so all the main decision regarding production and distribution are taken by private sector. तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने का प्राइवेट सेक्टर का. सारे के सारे डिसीजन रिगार्डिंग कि क्या बनेगा, कितना प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सारे का सारा कौन देखता है, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स देखते हैं. मतलब गवर्नमेंट हैज अ वेरी लिटिल रोल टू प्ले आउट हियर. गवर्नमेंट हैज अ वेरी लिटिल रोल टू प्ले, राइट. यहाँ पे गवर्नमेंट कोई बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करती है, सारे छोटे छोटे रोल प्ले करती है, राइट. जितना भी डिसीजन है कौन करता है, यहाँ पे कौन लेती, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स देती है. नो प्रेशर और मच कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर. सो यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं वो कौन है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स के बीच में अंतर क्या है. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस करते हैं, ये ज्यादा लोगों के बारे में सोचते नहीं है, ये प्रॉफिट से मतलब होता है. क्योंकि जब गवर्नमेंट के बारे में बात आती है तो गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचती है. तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनी, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज वन इन विच इकोनॉमिक डिसीजन made all main decision regarding production and regarding your distribution fixation of price are taken by the private entrepreneurs for purpose of profit along with very little role of the government, right. In simple words is that system wherein means of production are owned by the private individuals. Yahan pe all means of production are owned by private individuals. तो जितने भी यहाँ प्रोडक्शन की जितने भी मीन्स है, जितने भी तरीके हैं प्रोडक्शन के, वो सारे के सारे प्राइवेट लोग ही ओन करते हैं, ठीक है. सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो है, सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूएसए, कैनेडा, जापान, ये सारे के सारे क्या है आपकी फ्री इकोनॉमीज है, प्राइवेट इकोनॉमीज है. तो एग्जाम्पल्स इस तरह की इकोनॉमी के क्या होंगे, यूएसए, कैनेडा, राइट, यूके, राइट, ओके. सो ये सारे सारे एग्जाम्पल्स फ्री इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी ऑल्सो कॉल फ्री इकोनॉमी. सो इस बात पे आप देखिएगा कि जितने भी प्रोडक्शन के डिसीजन है, प्राइसिंग के डिसीजन है, जितने भी मेन डिसीजन है देश में, वो कौन लेता है, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं. और एक जो बहुत खास बात है, वो ये है कि यहाँ पे मेजर रोल जो है प्ले करने वाला वो किसका है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का है. इट हैज बीन जनरली ऑब्जर्व दैट पीपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाले की, जो जितने भी लोग प्राइवेट इकोनॉमीज वाले हैं या फ्री इकोनॉमी वाले हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले हैं, ये इन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बहुत हाई रहता है. यूएसए जैसी कंट्री अगर हम देखें तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है लोगों का, बहुत हाई है.
राइट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज वेरी वेरी हाई. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे जो प्रोडक्शन की चीजें हैं, मशीनरी से लेकर हर तरह की चीज, हर डिसीजन में जो मेन रोल प्ले करने वाला है वो किसका? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का है. और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आप यहाँ हमेशा जितना प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम करते हैं और लोगों की भलाई के लिए कम काम करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी. तो मेन फीचर्स बात करें हम, मेन फीचर्स क्या होंगे? तो पहला मेन फीचर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है वो है फ्री एंटरप्राइजेस. नाउ फ्री एंटरप्राइज से क्या मतलब है? फ्री एंटरप्राइज से क्या मतलब है? फ्री एंटरप्राइज से मतलब है दैट यहां पे जो भी रोल है प्राइवेट वालों का उसमें गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिजनेस आर कंडक्टेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. सारे के सारे के सारे ऑल बिजनेस एक्टिविटी आर कंडक्टेड बाय whom? आर कंडक्टेड बाय प्राइवेट पीपल. जितना भी बिजनेस है, जितना भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस क्या होगा, सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिसाइड करते हैं. अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. प्राइवेट सेक्टर इज द सोल सेक्टर अंडर प्योर कैपिटलिज्म. ठीक है, तो कैपिटलिज्म के बारे में जब बात आती है तो यहाँ पे सारा का सारा काम धाम जितना भी बिजनेस एक्टिविटीज है सब क्या सब हैंडल कौन करता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. गवर्नमेंट का कोई रोल यहाँ पे नहीं है प्रोडक्शन में. ठीक है, सेकेंड है आपका इंपॉर्टेंट फीचर प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन वाली कैपेसिटी रिसोर्सेज है या जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की होगी और वो उसको जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड. देयर बिलोंग टू प्राइवेट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनी. द प्राइवेट प्रॉपर्टी इंप्लाइज दैट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन यूज इट द वे ही लाइक. ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू private people and it is their wish that how do they want to use these resources. वो किस चीज का production करना चाहते हैं, कैसे किसी चीज को use करना चाहते हैं, ये उनका खुद का decision होगा. ठीक है, गवर्नमेंट उन्हें आके ये नहीं बताती है कि आपको ये प्रोड्यूस करना है ये प्रोड्यूस करना है. उनको जिस चीज में फायदा होता है वो उसी का प्रोडक्शन करते हैं. तो ये दूसरी खास बात है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. राइट, नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर सोविजिलिटी. नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर्स नाउ व्हाट इज कंज्यूमर सोविजिलिटी? कंज्यूमर सोविजिलिटी मीन्स दैट कंज्यूमर इज किंग. कंज्यूमर इज किंग. All decision regarding production revolves around consumer, right? So, अगली खास बात है इस तरह की इकोनॉमी की वो ये है कि जितने भी decisions होंगे वो consumer के इर्द गिर्द ही घूमेंगे. सारे के सारे decisions जो लिए जाएंगे वो कंज्यूमर को मद्देनजर रखते हुए ही लिए जाएंगे. अगर ये सोचा जाएगा कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है तो उसमें भी ये ध्यान रखा जाएगा कि कंज्यूमर क्या चीज मांग रहा है. ठीक है, तो यहाँ मेन खास बात है वो ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए ही सारे काम किया जाता है. नेक्स्ट इज सेल्फ इंटरेस्ट. यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव है जो इज टू अर्न प्रॉफिट. इस तरह की जो इकोनॉमी होती है वो मेन और मेन काम क्या करता है? वो अपने लिए ही काम करती है. वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि क्या किया जाए,
प्रॉफिट कमाया जाए, चाहे लोगों का भला हो ना हो, वो इस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो क्या करे उनको प्रॉफिट दे. ठीक है, ईच इकोनॉमिक यूनिट अटेम्प्ट टू डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर इट. द कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटीज व्हाइल द मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज देयर विद द प्रोड्यूसर्स. द प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच गिव देम मैक्सिमम प्रॉफिट. राइट, नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटिशन. In such economies, high degree of competition is there. Exists. तो जो दूसरी खास बात है, पांचवी खास बात है इस तरह की कंपटीशन की, वो है कि यहाँ पे क्या है, हर प्रोड्यूसर कंपटीशन करता है दूसरे प्रोड्यूसर के साथ, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है और हर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए जो कोई और ना बना रहा हो, और एक प्रोड्यूसर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा माल सामान बेच सके तो अपने प्राइस को हैंडल करके. तो यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, कट थ्रॉट कंपटीशन आपको यहाँ पे मिलेगा. फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द कंपटीशन ऑफ इकोनॉमिक राइवलरी. कंपटीशन इकोनॉमिक इंप्लाइज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. अब जब हम बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन हो रहा है तो कॉम्पिटिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मौजूद है. बेचने वाले भी बहुत सारे हैं और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं. जो बेचने वाले बहुत सारे हैं तो किससे हम खरीदेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हर कोई चाहता है कि मुझसे खरीदा जाए. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कॉम्पिटिशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, तरह तरह के डिस्काउंट्स देंगे, कुछ एक्स्ट्रा सामान देंगे, अलग तरह के लालच देंगे लोगों को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने माल को बेच सके. ठीक है, नेक्स्ट इज योर मार्केट एंड प्राइस. द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फंक्शंस थ्रू प्राइस मैकेनिज्म. द मीडियम थ्रू व्हिच द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज द ऑपरेशन ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस, वन इज द प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विस और प्रोडक्ट, द अदर प्राइस इज फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट जो आपका है इस तरह की मार्केट की खासियत, वो क्या है आपका, मार्केट एंड प्राइस. तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होगी, वहां पे प्राइस मैकेनिज्म में बहुत मेन रोल प्ले करता है. प्राइस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस, द सप्लाई फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीजें मिलकर के क्या करेंगे, प्राइस को डिसाइड करेंगे. और दो तरह के प्राइस आपको मिलेंगे, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस मिलेंगे, दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस मिलेंगे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीजें जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, सो ये क्या थी आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, या फ्री इकोनॉमी भी आप कहते हैं. तो फ्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे क्या होगा, सारे के सारे रिसोर्सेज किसको बिलोंग करेंगे, यहाँ सारे के सारे रिसोर्सेज बिलोंग करेंगे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, और गवर्नमेंट का बहुत ही छोटा रोल होगा ये करने के लिए. गवर्नमेंट ज्यादा डिसीजंस नहीं लेती है रिगार्डिंग प्रोडक्शन या कोई भी चीज. ठीक है, अच्छी बातें क्या है, अब हम बोलेंगे कुछ तो अच्छी बातें होंगी इनकी, तो कुछ एडवांटेजेस है. ठीक है, तो एडवांटेजेस के बारे में बात करें या मेरिट्स के बारे में बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, पहला क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, तो इसमें क्या है, तो सबसे अच्छी खास बात इस तरह की इकोनॉमी की है, प्रॉफिट मेकिंग है. तो इसमें हो क्या रहा है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन डिसीजन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं हाई रिस्क, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रॉफिट. सो इन दिस इकोनॉमी द मेन गुड थिंग इज दिस, दैट ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आर अर्निंग प्रॉफिट. तो जितना ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी क्या करेगी, डेवलप करेगी. ठीक है, दूसरी खास बात जो है वो इस तरह की इकोनॉमी के क्या है, चीप एंड स्टैंडर्ड कमोडिटीज. आपको चीप कमोडिटीज भी मिलेगी एंड स्टैंडर्ड कमोडिटीज भी मिलेगी. राइट, एज आई टोल्ड यू दैट द कंज्यूमर इज द मेन पर्सन हियर, ही इज द किंग. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो कंज्यूमर के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही है, तो प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे इस हिसाब से होंगे कि जो कंज्यूमर को क्या हो सके, पसंद आए. तो हर तरह के गुड्स आपको यहाँ मिलेंगे, चीप भी मिलेंगे और स्टैंडर्ड गुड्स भी यहाँ पे आपको क्या होंगे, अवेलेबल होंगे. ठीक है, सो इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी व्हाट विल हैपन, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोड्यूसर हैव टू फ्रीडम ऑफ डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस. सो यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ
गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उनके पास क्या है, पूरी पूरी चॉइस है, किसकी चॉइस है कि वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, ठीक है। तो ये क्या है आपकी नेक्स्ट खास बात है जो कि इस तरह के मार्केट में आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट दैट एडवांटेज दैट वी हैव इज द लिमिटेड रिसोर्सेज पुट टू मैक्सिमम यूज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट गुड थिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ मार्केट और इकोनॉमी इज दिस दैट हियर द प्रोड्यूसर्स ट्राई टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, क्योंकि रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के खुद के हैं तो वो इनको क्या करती है बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करते हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिल सके, ठीक है, फॉर बेस्ट आउटपुट, राइट। The fourth good thing is high standard of living. High standard of living. So most of the people in capitalist economy have a very high standard of living. Why they have a high standard of living? क्योंकि यहाँ पे private sector है और बहुत सारी production capacities है, तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा employment है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे living standard सब बहुत अच्छा होता है। Fifth is technological development. So, capitalist economy are usually properly developed, they are nicely developed and very good advanced technology wise, because they have good production capacities, they have lot of finance with them, so they go for best technology for the best production. This is the another important point that technology wise these countries are very very advanced. So competition is the essence of capitalism, because of competition only, because of competition. So these are the few advantages which exist in a capitalist economy. So few of them is profit making. The first merit is this, that such economies they make a lot of profit. यहाँ पे cheap and standardized दोनों तरह के product आपको देखने को मिलेगा. Proper utilization of resources, all the resources belong to private entrepreneurs. Say so they try to make the best use out of it. And high standard of living, people have a very good standard of living here because the income of the people is very very high, the standard of living of people is very very high. Technology developed, technologically they are very very developed, because these nations has to compete with the other companies of the sectors, different sectors in the economy compete with each other, they have a throat cut competition, so they try to use best technology so as to move ahead of the other industry or company. So these were the few advantages of capitalist economy, and rest of the chapter we'll cover in the next video. Till then, take care of yourself.